ये फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 101 के फाइनल टर्म के सॉल्व पेपर के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। फाइनल टर्म एग्जाम्स के लिए इसमें सबसे पहले ये कि व्हाट डू यू नो अबाउट टेलेक्स, टेलेक्स के बारे में आप क्या जानते हैं। सो बाय 1935 तक मैसेज राउटिंग जो है वाज द लास्ट ग्रेट बैरियर था फुल ऑटोमेशन के लिए। और लार्ज टेलीग्राफी प्रोवाइडर ने उन्होंने क्या किया, डेवलप करना शुरू किया सिस्टम जो कि जिन्होंने यूज़ किया टेलीफोन की तरह रोटरी डायलिंग ताकि कनेक्ट किया जाए टेली टाइप्स, और ये मशीन जो है कहलाई गई टेलेक्स के तौर पे। उसके बाद ये कि व्हाट इज न्यू मीडिया, न्यू मीडिया का क्या है, यानी कि सो ये जो एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करती है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मीडिया जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एडवांसमेंट से डिजिटल टेक्नोलॉजी में और डिजिटल जो कंप्यूटिंग है। उसके बाद एक राइट टूल्स फॉर पीआर, पीआर के लिए जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। कॉमनली यूज टूल्स जो है पब्लिक रिलेशन के, उसमें शामिल है न्यूज रिलीजेस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स और कम्युनिटी सर्विस प्रोग्राम्स। उसके बाद एक व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग क्या है। स्टीरियोटाइपिंग जो है वो आइडियाज़ हैं जो कि किसी का कुछ इंडिविजुअल्स के होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में जो कि बेस करता है सोनली उनके एटीट्यूड के ऊपर, और ये अक्सर यूज़ होते हैं नेगेटिव या प्री जुडिशल जुडिशल सेंस के अंदर और फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है जस्टिफाई करने के लिए कुछ सर्टेन जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स हैं उनको भी। उसके बाद ये डिस्क्राइब करें रिडंडेंसी, सो रिडंडेंसी जो है वो इससे मुराद डिग्री है जिस तक इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिक नहीं होती सिस्टम में, और वो आइटम जो कि मैसेज के अंदर होते हैं जो कि ऐड नहीं करते कोई न्यू इन्फॉर्मेशन वो रिडंडेंट हैं। सो परफेक्ट रिडंडेंसी इक्वल होती है टोटल रिपीटेशन के, और ये फाउंड होती है प्योर फॉर्म के अंदर सिर्फ जो है मशीन में, और ह्यूमन बीइंग में जो है द वेरी एक्ट ऑफ रिपीटिंग रिपीटेशन चेंजेस जो है इन सम मिनट अवे मीनिंग या फिर जो मैसेज है और जो लार्जर सोशल सिग्निफिकेंस इवेंट की। जीरो रिडंडेंसी क्रिएट करती है शेयर अनप्रिडिक्टेबिलिटी फॉर देयर, उसके लिए जो है वो कोई तरीका नहीं है नोइंग का कि क्या आइटम जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर आएंगे नेक्स्ट, और एज अ रूल कोई मैसेज जो है वो रीच नहीं कर सकता मैक्सिमम एफिशिएंसी अनलेस के इसके अंदर जो एक बैलेंस है अनएक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेबल के दरमियान बिटवीन व्हाट द रिसीवर मस्ट हैव अंडरस्टूड ताकि एक्वायर करें अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट कैन बी जो है यानी कि क्या जो डिलीट किया जा सकता है एज एक्सट्रेनियस। उसके बाद देखिए व्हाट इज फोटोग्राफी, फोटोग्राफी क्या है। सो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग परमानेंट इमेजेस, यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए इमेजेस को परमानेंटली रिकॉर्ड किया जाता है लाइट के जरिए, लाइट का यूज़ करते हुए केमिकली सेंसिटिव मटेरियल्स के ऊपर। सो ये फोटोग्राफी कहलाई जाती है, और उसको डेवलप किया गया था 19th सेंचुरी के अंदर आर्टिस्टिक एस्पिरेशन के जरिए दो फ्रेंच मैन नाइसिफोर नाइपसी और इसके अलावा लुइस जैक्स मैंडी डैगर, जिन्होंने कंबाइन की डिस्कवरीज और जिनकी कंबाइन डिस्कवरीज से क्या हुआ इन्वेंशन हुआ फर्स्ट कमर्शली सक्सेसफुल प्रोसेस का दी डैगरो टाइप इन 1837। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।